कुत्तों का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है और अब हाई कोर्ट ये तय करेगा कि अब इन कुत्तों का क्या होगा। इसी का खुलासा हम अपने आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट एंड फाउंडर द लीगल साइट। यह मामला हाई कोर्ट जाने से पहले उपभोक्ता न्यायालय गुरुग्राम में कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे जो आज भी सुर्खियां बना हुआ है। ये कौन सी मीटिंग है जहां मुझे नहीं बुलाते? दरअसल इस मामले की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता न्यायालय गुरुग्राम ने कुछ विशेष दिशा निर्देश जारी किए थे और नगर निगम गुरुग्राम को निर्देश दिए थे कि वो इनका पालन करवाए। क्या? इन दिशा निर्देशों में पहला निर्देश ये था कि उपभोक्ता अदालत ने नगर निगम को यह निर्देश दिए थे कि कुत्तों द्वारा काटे जाने पर या हमला करने पर मुआवजे के लिए एक नीति निर्धारित करें। उपभोक्ता अदालत द्वारा दूसरा निर्देश यह दिया गया कि आवारा कुत्तों द्वारा किसी नागरिक को काटे जाने पर मुआवजे की राशि 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए तथा अधिकतम इसे 2,00,000 रुपए तक चोट की गंभीरता को देखते हुए बढ़ाया जा सकता है। लड़ी लग गई। तीसरा महत्वपूर्ण निर्देश उपभोक्ता अदालत का यह था कि उसने कुत्तों की नस्लों की खतरनाक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए 11 प्रकार की नस्लों को पालने से प्रतिबंध कर दिया और जो लोग पहले से ही इन नस्लों को पाल रहे थे उनके लाइसेंस को नगर निगम द्वारा रद्द करने तथा उन कुत्तों को हिरासत में लेने के निर्देश दे दिए। इन सभी दिशा निर्देशों में एक बेहद महत्वपूर्ण निर्देश यह भी था जिसमें उपभोक्ता अदालत ने ये कहा कि नगर निगम द्वारा बाकी की अन्य नस्लों के कुत्तों को पालने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी और उस लाइसेंस के साथ एक टोकन भी दिया जाएगा जो हमेशा उस कुत्ते के गले में बंधा हुआ होना चाहिए और जब भी उस कुत्ते का मालिक उस कुत्ते को किसी सार्वजनिक स्थान पर लेकर जाएगा ऐसी स्थिति में उस कुत्ते के गले में लोहे की जंजीर की चैन होनी चाहिए तथा उस कुत्ते के मुँह में जालीदार मास्क लगा हुआ होना चाहिए ताकि वो सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति को नुकसान न पहुँचा सके। साथ ही उपभोक्ता अदालत ने यह भी कहा कि एक परिवार में एक से अधिक कुत्ते पालने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ 1 महीने से लेकर 2 साल तक की कारावास का प्रावधान रखा गया था और साथ ही कम से कम 20,000 रुपए का जुर्माना जो कि 2,00,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है का भी प्रावधान किया गया। तू समझा ये बोलता काहे को नहीं? हालांकि ये सभी दिशा निर्देश उपभोक्ता अदालत द्वारा पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही दिए गए थे लेकिन इसके बावजूद भी हाई कोर्ट द्वारा इन सभी दिशा निर्देशों पर अपने अगले आदेश आने तक रोक लगा दिया है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि हाई कोर्ट ने इन दिशा निर्देशों को निरस्त नहीं किया है और हो सकता है कि हाई कोर्ट भी इन सभी दिशा निर्देशों को बरकरार रखे। क्या? दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह यह वीडियो भी आपको यूजफुल लगी होगी। दोस्तों ऐसे ही लॉ से संबंधित जानकारी लगातार पाने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी हम आप तक सही समय पर पहुंचा सके। दोस्तों मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।